हेलो बच्चों, वेलकम टू किड्स प्लेयर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में हिंदी में पास पड़ोस। हिंदी के लिए जो भी बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो इस वीडियो से आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। बताओ, पहला प्रश्न है बताओ। तुम्हारा घर गांव में है या शहर में? विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे इस उत्तर को। तुम्हारा गांव घर गांव में है या शहर में, मतलब है आप कहाँ रहते हो। अगर आप जहाँ अगर गांव में रहते हो तो गांव में लिखोगे, अगर आप शहर में रहते हो तो शहर में लिखोगे। और आपको गांव और शहर का मेन डिफरेंस जो होता है वो भी पता होना चाहिए। शहर क्या होता है, गाँव क्या होता है। गाँव होता है जहाँ खेती की जाती है, और शहर वो जहाँ होता है जहाँ सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, जहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बताओ तुम्हारे गांव शहर का नाम क्या है। तो हमारे गांव या फिर शहर का नाम जो भी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि नोएडा लिख दो आप, अगला प्रश्न है तीसरा गा। तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? तो हमारे पड़ोस में अनेक वर्ग के लोग जैसे किसान, बड़ई, लोहार, कुम्हार, दुकानदार, दर्जी आदि रहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तुम्हारे पड़ोसी क्या क्या काम करते हैं? तो उत्तर है इसका, हमारे पड़ोसी खेती करने, लकड़ी, लोहे व मिट्टी के बर्तन बनाने, कपड़े सीने, पशुपालन, दूध बेचने खरीदने आदि के काम करते हैं। नेक्स्ट है इंग्या, तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? तो उत्तर है, हमारे पास पड़ोस में जो भी आपके आस पड़ोस में जानवर रहते हैं उनको आप लिख सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता आदि जानवर पाले जाते हैं। आजकल कुछ लोग बिल्ली भी पालने लग गए हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। प्रश्न है, तारे के अंदर दिए हुए कार्यों में से छांट कर लिखो पाठ्य पुस्तक में। अब आपको यहाँ पर छांट के लिखना है कि रोज कौन कौन से कार्य आप करते हो, कभी कभी कौन से कार्य किए जाते हैं। अगला है आपका, घर में होने वाले कार्य कौन कौन से हैं, घर के बाहर होने वाले कार्य कौन कौन से हैं, और सितारे के अंदर जो दिए गए हैं, मछली पकड़ना, मुर्गी को दाना डालना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खेतों में खाद देना, पकवान बनाना, बाजार जाना, चाय पीना, बर्तन मांजना, खेत जोतना, मंजन करना और पढ़ाई करना, और मछली पकड़ना, मुर्गी को दाना डालना। अब इसमें से अगले पेज पर हम देखेंगे कि जो सही उत्तर है इसका वो हम देखेंगे। ठीक है, तो रोज़ हम जैसे कि हम चाय रोज़ पीते हैं, हाँ हम चाय रोज ही पीते हैं, पुराने लोग नहीं पीते थे। ठीक है, मछली को पकड़ना ये हम कभी कभी कर सकते हैं, खेत जोतना कभी कभी कर सकते हैं, मंजन हम रोज़ करते हैं, पढ़ाई हम रोज़ करते हैं। ठीक है, पकवान हम कभी कभी बनाते हैं, झाड़ू हम रोज़ लगाते हैं, कपड़े भी हम रोज़ धोते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे। मछली पकड़ना, खेत जोतना, बाजार जाना, ज़मीन में खाद डालना, तो ये आपके घर के बाहर काम होते हैं, ये घर के अंदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मछली तालाब से पकड़ी जाती है, खेतों में जोताई होती है, बाजार हम बाजार जाकर बाहर ही जाते हैं, ज़मीन में खाद डालेंगे तो घर के अंदर तो ज़मीन होगी नहीं, जाहिर सी बात खेतों में होगी, तो हम खेतों में यानी बाहर जाकर इन काम को करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, या कॉपी में जिसमें आप लिखना चाहें, जिसमें आपकी सर या मैम लिखवाना चाहते हैं उसमें आप लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न 3 है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को इस पार्ट में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस पार्ट में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो। इस पार्ट में हम बैल, गाय, बछड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी और उसके चूजे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार जो आपका चैप्टर है यानी जो आपका पार्ट है उसको ध्यान से देखेंगे, आपको चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। जानवर और पशु पक्षी तो आपको समझ में आते ही होंगे।
प्रश्न नंबर 4 है, लिखो कौन शहर में पाया जाता है, कौन गांव में और कौन दोनों में। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे बैल है, बैल, गाय, घोड़ा, मोटर, गेहूं के खेत, कारखाना, दुकानें, चक्की, सिनेमाघर, हॉल, हल, रिक्शा, तांगा और टेलीविजन। तो हमने इसको एक चार्ट के रूप में दिखाया, गांव में क्या मिलता है, शहर में क्या मिलता है और दोनों में कहाँ क्या चीज मिलती है। तो पहले हम बात करेंगे गांव में, तो गेहूं के खेत आपके गांव में मिलेंगे, बैल गांव में मिलेगा, हल आपके गांव में मिलेगा, ठीक है, कारखाना गांव में मिलते हैं, सिनेमाघर शहरों में मिलते हैं, सॉरी दुकानें शहरों में मिलती हैं, मोटर आपके शहर में मिलेगी। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों जगह पाई जाएंगी, यानी गाँव में भी और शहर में भी। तो तागा, गाय, घोड़ा, टेलीविजन, चक्की और रिक्शा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो शहर में भी और गांव में भी पाई जाती हैं। तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके बच्चों लिख सकते हैं अपनी कॉपी में और इन्हें याद कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में पास हो पाएं और अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर पाएं। अगला है, लास्ट है इस चैप्टर का, पास पड़ोस का। इसमें है अधूरे चित्र को आपको पूरा करना है, जैसे वैसे तो आपको खुद ही करना है इसको, पेंसिल लेंगे और जैसे जैसे मैं करूंगी बच्चों वैसे आप भी करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जहां जहां डॉट डॉट आपको दिख रही है उसको आप पेंसिल से ड्रॉ करते चले जाएंगे, तो आपका जो ये मुर्गी वाला चित्र है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं, मैं आपको हर चीज का सॉल्यूशन दूंगी। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी अपनी पेंसिल से अपनी किताब में ड्रॉ करते जाएंगे बच्चों। आपको डॉट से डॉट मिलानी है, आपका पक्षी अपने आप बन जाएगा और बहुत ही सुंदर बनेगा, और इसमें आपको कलर भी भरने हैं। तो आप मल्टीपल कलर्स का यूज कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो मुर्गा होता है या मुर्गी होती है वो एक तो वाइट कलर में भी होती है और एक डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं, मल्टीपल कलर्स यानी कि अनेकों रंगों में भी मुर्गी होती है। इस तरह आप इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह बन गया मुर्गा, और अब आप इसमें कलर करेंगे, कलर आपको खुद ही करने होंगे। मैं बस थोड़ा सा करके बताऊंगी आपको, जैसे कि आपको ये ऐसे करके करने हैं कलर, ये इसका हेड का सेक्शन आपको बनाना है। इस तरह मैंने इस पे कलर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर का पार्ट करेंगे, जैसे कि मैं उसे रेड कलर का कर देती हूँ, आपका जो मर्जी आए वो कलर आप यूज कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से आप स्केच से या फिर पेंसिल कलर जो आते हैं उनसे या फिर मोम कलर से भी कर सकते हैं, जो कलर आपके पास अवेलेबल है उस कलर का आप यूज करेंगे और इस मुर्गे में कलर करेंगे, और बहुत ही धीरे से शार्पली करेंगे। जितना आप अच्छे से करोगे ना उतना धीरे धीरे करोगे उतना अच्छे से कलर होगा और कोई भी कलर बाहर नहीं निकलेगा। मेरे साथ साथ आप भी करो बच्चों, कलर करते जाइए। बहुत मजा आ रहा होगा कलर करने में बच्चों को, वैसे भी कलर करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से करते करते आप पूरे मुर्गे को कलर से रंग देंगे। आपके पास जो कलर हो आप उससे यूज करें, जरूरी नहीं कि रेड कलर ही, जो आपको फेवरेट कलर हो या जिस कलर का मुर्गा आपको पसंद हो उस कलर का आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हेड वाले सेक्शन को कलर करेंगे ऐसे करके, आंख इसकी बचानी है, मैंने इसकी आंख पे भी कलर कर दिया है, ठीक है। आंख को छोड़ देना है आपको,
इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद मैं घास पे कलर कर देती हूँ हल्का सा, आपको बताने के लिए है, करना आपको खुद ही है। उसके बाद हम ग्रास पे कलर करेंगे। इस तरीके से आप ग्रास पे भी कलर कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने घास को कलर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी आँख जो है ना, बेसिकली आँख जो इसकी है ना, आँख एक्चुअली कलर हो गई है। इस तरह से इसकी आँख बना देंगे आप ऊपर से। ठीक है, उसकी आँख बन गई है। इस तरीके से आप पूरे मुर्गे को कलर करेंगे। अब मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो, इस तरीके से आप कलर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने अपने दोस्तों को यानी आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो भी क्लास 2 में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। और ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, आप जैसे प्यारे से बच्चों के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।